करीब 10 दिन पहले कश्मीर पंचायत की सरकारी जंगलों में बरामद हुए 87 हरे खैर के मोछों की बरामदी पर पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दो अभियुक्तों को जंगल में लाकर अलग अलग जगह पर काटे गए पेड़ों की शिनाख्त करवाई। पुलिस ने इस मौके पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों व वन विभाग के वन रक्षक वन अधिकारियों को भी साथ में लिया था ताकि जंगल से काटे गए हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने वालों को सख्ती से कानून के शिकंजे में लिया जाए। पकड़े गए आरोपियों में एक संगुनी गांव से हंसराज, दूसरा दाड़ गांव का मुकेश है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि इस गैर कानूनी काम में कुल 5 लोग शामिल थे। माननीय न्यायालय ने इन दोनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। एएसआई केवल सिंह ठाकुर की अगुवाई में आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि अवैध कटान के मामले में और छानबीन की जा सके। जांच अधिकारी एएसआई केवल सिंह ठाकुर ने बताया कि मौके पर आरोपियों को ले जाकर पेड़ों की शिनाख्त करवाई गई है ताकि और भी पड़ताल इसमें की जा सके। वहीं वन अरण्यपाल अनिल जोशी ने बताया कि उनके नोटिस में सरकारी जंगल से अवैध कटान का मामला आते ही तुरंत उन्होंने विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।